गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लिखिए, पढ़िए, इसको अपना मैगजीन खुद बनाइए। चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। पहला हमारा करंट अफेयर्स है, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और शुभंकर जो लॉन्च किया है वो किया है जागृति, जागृति शुभंकर, शुभंकर लॉन्च किया है उपभोक्ताओं ने को सशक्त बनाने के लिए और साथ ही साथ जागरूक करने के लिए भी, जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए भी यह क्या किया है, एक शुभंकर लॉन्च किया है। अगर आप बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आया था, है ना, उसी में संशोधन करके अब नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है, उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पहले जो आया था 1986 में, तो 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था इसमें संशोधन करके, है ना, संशोधन करके ये नया आया, तो वर्तमान में, और ये लागू हुआ जनवरी 2020 से, जनवरी 2020 से लागू हो गया। तो उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो है उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने, उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जागृति नाम का एक शुभंकर लॉन्च किया है। ये बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, आप इसको याद रखिएगा, परीक्षा में हुबहू आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर की सीमा सम्मेलन कहां आरंभ की गई है। तो यह आरंभ की गई है ढाका में, ढाका बांग्लादेश की राजधानी में, है ना, ये याद रखेंगे, बीजीबी और बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सम्मेलन, है ना। अब क्या है, बीजीबी का क्या नाम है, बीजीबी, बीजीबी का जो नाम है वो है बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, है ना, इसके और बीएसएफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं बीएसएफ, बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सुरक्षा बल, है ना, बॉर्डर सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल भारत के, इन दोनों ने मिलकर सीमाओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक वार्ता की है, और वो बैठक कहां हुई, ढाका में हुई, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहां बैठक हुई, और उस बैठक में क्या किया गया, सीमा के सुरक्षा के लिए तमाम बातों पर चर्चा हुई, है ना। बीएसएफ के जो निदेशक है वो कौन है, बीएसएफ के जो निदेशक हैं उनका क्या नाम है, तो बीएसएफ के निदेशक जो हैं वो है पंकज सिंह, बीएसएफ के पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिदेशक, महानिदेशक पंकज सिंह, महानिदेशक जो है वो है पंकज सिंह, ध्यान रखिएगा, बीएसएफ के। तो गोवा ढाका में ही बिम्स्टेक का मुख्यालय है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है, ढाका में है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसमें 7 देश हैं, साइबर सुरक्षा की मीटिंग पर बिम्स्टेक समूह की बैठक जो हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, तो वही बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है, जिसकी स्थापना, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, है ना। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राज्य है, सबसे ज्यादा सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ ही लगता है। सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता 2022 को किस युवा ग्रैंड मास्टर ने जीत लिया है, तो यह जीता आर प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंद ने सर्बिया में जो आयोजित हो रहा है पैरासिन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता 2022 उसको इसने जीत लिया, है ना, आर प्रज्ञानंद, ये याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और शानदार तरीके, वही प्रज्ञानंद जिन्होंने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को 2 बार पराजित किया, जो कि दुनिया के टॉप जो है ना शतरंज जो है विश्व चैंपियन रहे हैं, मैग्नस कार्लसन, उनको हराया था आर प्रज्ञानंदा ने, है ना, ये बात आपको याद रखना है, आर प्रज्ञानंद। अब देखिए दूसरे नंबर पर कौन रहे, आर प्रज्ञानंदा गए दूसरे नंबर पर, कौन रहे, अलेक्जेंडर फ्रेड के, अलेक्जेंडर सेकेंड इनके बाद, अलेक्जेंडर फ्रेड के,
है ना, अलेक्जेंडर फ्रेड के, इनका जो स्कोर 7.5 था और ये सेकंड नंबर पर है। प्रज्ञानंद का स्कोर जो था वो था 8 का स्कोर था इनके पास। इन्होंने ये खिताब जीत लिया, सर्बिया में आयोजित हुआ था शतरंज प्रतियोगिता, नाम है पैरासिन ओपन, इसको जीत लिया है। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी कुकेश, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है ना, 74वें ग्रैंड मास्टर, 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है, राहुल श्रीवास्तव, और सबसे लेटेस्ट है राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव जो है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर है, यह बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे लेटेस्ट है। भारत में अब तक 74 ग्रैंड मास्टर हुए हैं। अगले प्रश्न पर आइए, हाल ही में एनडीए ने अपना राष्ट्र उपराष्ट्रपति उम्मीदवार किसे चुना है, तो एनडीए की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो है वो जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, और ये कहां है, ये झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला राजस्थान, झुंझुनू जिला राजस्थान से है ना, राजस्थान से है, राजस्थान के झुंझुनू जिला से जगदीप धनखड़, और वर्तमान में यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वर्तमान में, है ना, ये याद रखिएगा। तो वर्तमान पश्चिम बंगाल के राज्य जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के झुंझुनू जिला से हैं, एनडीए ने नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उन्होंने जगदीप धनखड़ को बनाया है। विपक्ष की उम्मीदवार कौन है, विपक्ष की उम्मीदवार, तो विपक्ष की उम्मीदवार जो है वो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है मार्गरेट अलवा, मार्गरेट अलवा, और ये महिला है, तो मार्गरेट अलवा को अपना विपक्ष ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव भी भारत में होना है। हाल ही में इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, हाल ही में अपना अपना खुद का अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने देश का पहला राज्य बना है केरल, केरल इज द राइट आंसर, केरल ने अपना खुद का इंटरनेट प्रोग्राम शुरू कर लिया है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, अपने खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है भारत का, भारत का पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया है कि फोन इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस देने के लिए की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में सभी को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना है, इंटरनेट को सभी तक पहुंच प्रदान करना। केरल अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है और भारत का पहला राज्य बन गया है ऐसे मामले में। तो अगर हम कहें केरल के बारे में, केरल की राजधानी कहां है, तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसके सीएम है पिनराई विजयन, इसके राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, और पेरियार नदी केरल की प्रमुख नदी है, इलायची की पहाड़ियां भी केरल में ही है, ये भी याद रखना है। साथ ही साथ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो हाथी और टाइगर रिजर्व भी है केरल में ही है, केरल भारत का बहुत ही खूबसूरत शहर है, ये भी याद रखेंगे। अभी इसको टाइम मैगजीन ने भारत दुनिया के 50 ग्रेटेस्ट प्लेस के रूप में भी केरल को घोषित किया है। मालाबार तट इसके तट को कहा जाता है, सबसे ग्रेटेस्ट 50 ग्रेटेस्ट प्लेस में से केरल को रखा है किसने, अमेरिका के टाइम मैगजीन ने, और इसके साथ अहमदाबाद को भी रखा गया है। तो केरल के बारे में ऐसा जानिएगा। हाल ही में भूपिंदर सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे भूपिंदर सिंह, तो भूपिंदर सिंह एक गजल गायक थे, गायक भूपिंदर सिंह एक गजल गायक हैं, और इस तरीके से जो एक प्रसिद्ध गजल गायक है भूपिंदर सिंह, है ना। 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है पेट के कैंसर के कारण, इनका निधन हुआ है 82 वर्ष की आयु में, 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है पेट के कैंसर और कोविड के प्रभाव के कारण इनका जो निधन हुआ है, और इन्होंने कई गजलें गाई है, है ना। दुनिया छूटे यार ना छूटे धर्म कांटा फिल्म का गाना है, दुनिया छूटे यार ना छूटे धर्म कांटा, इन्होंने मोहम्मद रफी, बप्पी लाहिड़ी जो है, आशा भोसले, लता मंगेशकर है ना, किशोर कुमार, इन लोगों के साथ भी इन्होंने काम किया है। और प्रसिद्ध गजल गायक भूपेंद्र सिंह का जो है लंबी बीमारी के बाद इनका जो है निधन हो गया। थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान इन्होंने गाया है सितारा में, है ना, दिल ढूंढता है मौसम फिल्म का,
नाम गम जाएगा किनारा, तो ये सब गीतों के लिए भूपेंद्र सिंह प्रसिद्ध हैं। हाल ही में जारी एक्सपेंड इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को जो स्थान मिला है वो 36वां स्थान है। क्या एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसमें 52 देशों को शामिल किया गया है, 52 देशों को शामिल किया गया और इसमें रैंकिंग दी गई, शामिल किया गया है, किया गया है। अगर हम बात करें ये किस लिए होता है, कुवैत सबसे अंतिम में है ना, कुवैत, कुवैत अंत में है, कुवैत अंत में है, मतलब कुवैत की रैंकिंग कौन सी है, 52वां, कुवैत जो है 52वें नंबर पर है ना। और इसमें बताया गया प्रवासियों के लिए कुवैत अच्छा जगह नहीं है, प्रवासियों के लिए कुवैत अच्छा जगह नहीं है, कुवैत रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश, प्रवासियों के लिए, प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश, प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश के रूप में इसको चिन्हित कर लिया गया, तो ये भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें 1, 2, 3 नंबर पे कौन है ना, तो रैंकिंग में मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, 1 नंबर पर जो है वो मैक्सिको है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान है ना, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, पुर्तगाल, स्पेन, यूएई, पुर्तगाल 5वें नंबर पर, स्पेन 6ठे पर, यूएई, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे 6ठे पर है यूएई, वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, सिंगापुर 10वें नंबर पर है, भारत 36वें नंबर पर है। ये प्रवासियों के लिए रैंकिंग, यह रैंकिंग जो जारी की गई है हर साल प्रवासियों के लिए एक समुदाय इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, किसने, यह जारी करता है इंटरनेशन है ना, प्रवासियों के लिए, यह किसके लिए जारी होता है, प्रवासियों के लिए, प्रवासियों के लिए है ना, जारी करता कौन है, जारी करता जो है इंटरनेशन, ऊपर लिख देता हूं, इंटरनेशन जारी करता है, इंटरनेशन ये जारी करता है ना, प्रवासियों के लिए रैंकिंग जारी की जाती है, तो भारत का स्थान 36वां है। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ बने हैं आशीष कुमार चौहान, इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या किसका स्थान लेंगे, तो ये विक्रम लिमय का स्थान लेंगे, विक्रम लिमय जो कि बी ऑप्शन में है, विक्रम लिमय का स्थान लेंगे, स्थान लेंगे जो कि विक्रम लिमय का, अभी 16 जुलाई को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो एनएसई के एमडी और सीईओ नए बना दिए गए आशीष कुमार चौहान। अब एनएसई के बारे में जानते हैं, एनएसई क्या है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी एनएसई की, एनएसई की स्थापना हुई थी 1992 में, स्थापना 1992 1992 में, हेड ऑफिस कहां है, मुंबई में है, और इसके संस्थापक कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, कौन है, गिरीश, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके संस्थापक है एनएसई को, आप याद रखिएगा 1992 में बना था है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं,
हाल ही में मॉर्गन स्टेनली के अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी? भारत की वृद्धि दर है 7.2%। किसके अनुसार? मॉर्गन स्टेनली के अनुसार। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 7.2% रहेगी। यह अभी अमेरिका के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अभी क्रिसिल ने जो बताया था, क्रिसिल के अनुसार, क्रिसिल के अनुसार 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो रहेगी 7.3% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। किसके अनुसार? क्रिसिल के अनुसार 7.3%। और मॉर्गन स्टेनली के अनुमान जो लगाया है उन्होंने घटाया है। मॉर्गन स्टेनली ने पहले इसमें रखा था 7.6, इनमें से 7.6 से घटाकर कितना कर दिया इसने? 7.2, मतलब 0.4% का क्या कर दिया है? कम कर दिया है, कि बताया है कि 7.2% के रेशियो से बढ़ेगी। तो आप लोग क्रिसिल का भी ध्यान रखेंगे, भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो 2022-23 के लिए सेम वर्ष के लिए है। तो ये दुख किया है, जितना भी विश्व बैंक IMF का है, RBI का है, भारत सरकार का है, सबका आप लिख के रखिएगा, परीक्षा में काम आएगा। ISSF विश्व कप में पुरुषों की निशानेबाजी स्कीट स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखो यह जो है अभी ISSF विश्व कप जो है हो रहा है, और इसमें महराज खान ने क्या किया है? यह जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीत लिया इसने? गोल्ड मेडल जीता है ना, महराज खान ने गोल्ड मेडल जीता। और इनके ये इसका उत्तर हो जाएगा। और मिंसू किम ने जीता है सिल्वर मेडल। ये दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर ये दक्षिण कोरिया के हैं। कहां के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं, है ना। मिंसू किम दक्षिण कोरिया का सिल्वर मेडल जीता, और बेन लेवेनिन इन्होंने कांस्य जीता है, ब्रॉन्ज मेडल कांस्य इन्होंने जीता है, और ये ब्रिटेन के हैं। इस तरीके से शूटिंग स्पर्धा में IISF का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, है ना। विश्व कप जो हो रहा है इसमें किसने जीत लिया? तो यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है पुरुष स्कीट स्पर्धा में, जो कि मेराज अहमद ने जीता है, है ना। अब ISF विश्व कप कहां? 9 जुलाई से 21 जुलाई तक दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हो रहा है। ISSF विश्व कप कहां हो रहा है? 9 से 21 जुलाई तक, जुलाई 2022 तक। इसका आयोजन कहां? चांगवोन, ये याद रखेंगे, कहां हो रहा है? चांगवोन कहां है? दक्षिण कोरिया में है, दक्षिण कोरिया का शहर चांगवोन में ये शूटिंग, है ना, जो प्रतियोगिता है वो हो रहा है। 9 से 21 जुलाई के बीच होगा ISSF शूटिंग विश्व कप, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा आप IISF के बारे में जानिए, है ना। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, मुख्यालय जर्मनी में है IISF। ISSF स्थापना 1907 में, हेड ऑफिस कौन है? हेड ऑफिस है म्यूनिक। कहां है? म्यूनिक है। और म्यूनिक कहां है? तो म्यूनिक जो है ये जर्मनी में है, म्यूनिक जर्मनी में इसका जो है मुख्यालय है, म्यूनिक जर्मनी में। व्लादिमीर लिसिन इसके क्या हैं? अभी अध्यक्ष हैं। तो ये पूरी बात आप जानिए, विश्व कप जो ISSF विश्व कप, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन विश्व कप जो है कहां हो रहा है? चांगवोन में हो रहा है, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न देखें, महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर मंगल पांडे का जन्मदिवस कब मनाया गया है? तो मंगल पांडे का जन्मदिवस कल मनाया गया था, या 19 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। मंगल पांडे स्वतंत्रता के लिए पहला फांसी पाने वाला व्यक्ति है, महान स्वतंत्रता सेनानी जो है मंगल पांडे, है ना, ये मंगल पांडे,
मंगल पांडे का जन्म कहां हुआ था? तब मंगल पांडे का जन्म है ना वर्तमान बलिया, उस समय गाजीपुर में हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1927 में बलिया, उस समय गाजीपुर था। आप यहां पे गाजीपुर भी लिख दिए उस समय। अब वो क्षेत्र कहां पड़ गया है? बलिया में, बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनको फांसी दी गई, इनको फांसी दी गई 8 अप्रैल 1957 में फांसी दी गई। क्यों दिया गया था? तो ये मंगल पांडे जो हैं, ये बंगाल के बैरकपुर में, बैरकपुर बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे, इन्फेंट्री के जवान थे, एनआई है ना, नेटिव इन्फेंट्री, 24वीं एनआई बोलते हैं, नेटिव एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। इन्होंने जब वो चर्बी वाली कारतूस की बात चली थी, इन्होंने इस्तेमाल करने से मना कर दिया था जो धर्म भ्रष्ट के कारण, तो इनका काफी दबाव दिया गया थे अपने अधिकारियों जनरल बाग और इनके साथी पर हमला कर दिया, गोली चला दी, जिसके वजह से इनको 8 अप्रैल को क्या किया गया था, 1957 में फांसी दे दी गई। तब फांसी पाने, उस भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले व्यक्ति है मंगल पांडे। मंगल पांडे के नाम पर है ना, मंगल पांडे के नाम पर उन्नीस में एक भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया और बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे महाउद्यान नामक एक पार्क का भी निर्माण किया गया है। यह स्थान उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था, वहीं पर एक राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है बैरकपुर में, शहीद मंगल पांडे महापार्क। 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में उनके फोटो के साथ भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। हाल ही में नौसेना का कौन सा पनडुब्बी 35 सालों बाद सेवा मुक्त हो गया? कौन सा पनडुब्बी? तो INS सिंधु ध्वज को 35 सालों बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया है। और यह 35 सालों बाद जो सेवा से मुक्त किया गया है, यह पनडुब्बी कब आई थी भारत में? तो भारत में आई थी 1986 में, रूस से लिया गया था 1986 में रूस से। कई पनडुब्बियां लिए गई थी, उनमें से यह भी था रूस से, और 1987 से सेवा में है। 1987 से क्या है, सेवा में था, है ना। भारत सरकार प्रधानमंत्री ने इसको एक नया अवार्ड नाम भी दिया था इसको, इस पनडुब्बी को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से भी नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया था इसको, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी, रोलिंग ट्रॉफी भी नरेंद्र मोदी द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो सिंधु ध्वज, INS सिंधु ध्वज को क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया, सेवा से हटा दिया गया 35 सालों बाद। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसिफ अली का जन्म दिवस कब मनाया गया है? अरुणा आसिफ अली भी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एक महान स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, है ना। इनका जन्मदिन 16 जुलाई को मनाया गया है। इनका जन्म कब हुआ था? अरुणा आसिफ अली का जो जन्म हुआ था, जन्म है ना, जन्म हुआ था 16 जुलाई 1909 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1996 में मृत्यु हुई। 1992 में पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण है ना, और मरणोपरांत 1997 में मरणोपरांत क्या दिया गया? भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1997 में। यह भी ध्यान रखिएगा, अरुणा आसिफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी रही,
भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन में मुंबई या बंबई के ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक में तिरंगा फहराया था, तिरंगा फहराया। तो ग्वालिया टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना, अब मुंबई के ग्वालिया टैंक से ही हुआ था, तो वहां पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। तो इस तरीके से अरुणा आसिफ अली जो है ना 16 जुलाई। हाल ही में कवक की नई प्रजाति खोजी गई है, कवक की तीन प्रजाति खोजी गई है, तीन नई प्रजातियां, और यह खोजी गई स्कॉटलैंड, ब्रिटेन का अंग है, ब्रिटेन का भाग है स्कॉटलैंड। तीन नई प्रजातियां जिनमें से एक है स्क्वामानीटा, स्क्वामानीटा की खोज की गई है तीन प्रजातियों को, तीन प्रजातियां, तीन प्रजातियां खोजी गई हैं। याद रखेंगे कवक की, कवक मतलब फंगी, है ना, फंगी, इसी को कवक बोलते हैं, है ना। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन नाम के प्रोटीन से बनी होती है। तो इसी कवक के तीन प्रजातियों को जो स्कॉटलैंड में किया गया है, ये याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बायोलॉजी से हो जाएगा इस तरीके के प्रश्न, है ना, तो आप याद रखेंगे। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका टाइम ने 2020 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची जारी की है, इनमें भारत के किन जगहों को स्थान दिया है, ध्यान रखिएगा, विश्व के 50 ग्रेटेस्ट प्लेस 2022 की सूची अमेरिका के टाइम मैगजीन ने जारी किया है, और इसमें किसको रखा है, अहमदाबाद को भी रखा है और साथ ही साथ केरल को भी, अहमदाबाद और केरल दोनों उत्तर हो जाएगा, दोनों अहमदाबाद और केरल दोनों को शामिल किया है इसमें, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप याद रखिएगा, है ना, दोनों को शामिल किया गया है। यूनेस्को टाइम की, टाइम की 50 ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट प्लेस, पचास ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 की सूची, अब इसमें भारत के दो स्थान शामिल है, केरल, है ना, केरल और अहमदाबाद, अहमदाबाद जो भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, घूमने फिरने के लिहाज से केरल जो है असाधारण 50 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम की वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस, यहां पे टाइम की वर्ल्ड, वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस 2022 की सूची में दो को शामिल किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाइम अमेरिका की मशहूर पत्रिका है, गॉड्स आवन कंट्री भी कहा जाता है, केरल को क्या कहते हैं, केरल को कहा जाता है गॉड्स आवन कंट्री, गॉड्स GODS, गॉड्स आवन कंट्री, कंट्री गॉड्स आवन कंट्री के नाम से भी केरल को जाना जाता है। अहमदाबाद को हायर लर्निंग के रूप में वर्णित किया गया है, अहमदाबाद को किस में वर्णित किया गया, हायर लर्निंग, अहमदाबाद को हायर लर्निंग के रूप में वर्णित किया गया है। तो इस तरीके से केरल को घूमने फिरने के लिहाज से सबसे खूबसूरत जो है जगह माना गया है, अहमदाबाद को भी सबसे खूबसूरत और बेहतरीन, और खास करके हायर लर्निंग में इसको वर्णित किया गया है। तो दो ग्रेटेस्ट टाइम के 50 असाधारण जगहों में भारत के दो, केरल और अहमदाबाद शामिल है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और यह भारत में सूती वस्त्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वही अहमदाबाद जहां से अहमदाबाद में ही सत्याग्रह आश्रम गांधी जी ने बनाया था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद जिले में ही, और यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप और लिखिए पढ़िए, इसके बारे में ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, कल फिर मिलेंगे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।